गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेके आ गई हूँ रिव्यू मुंबई का। तो नवंबर 12 से रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन आज मैंने फाइनली देख लिया। ओह गॉड, इतना टाइम ले लिया, सो सॉरी गाइस, बिकॉज बहुत सारे वेब सीरीज़ लाइन थे और मैं देख ही नहीं रही थी। एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगी, बहुत हैक्टिक शेड्यूल था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न आल्सो। सो इसके वजह से मैं नहीं देख रही थी, लेकिन जब किसी मतलब एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आपको नॉर्मल वेब सीरीज़ के रिव्यू भी देखना है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, एडल्ट कॉन्टेंट लवर्स का अगर इतने सारे रिक्वेस्ट मैं मतलब एक एक रिव्यू डाल रही हूँ, तो इनका भी तो रिव्यू डालना है। और मैं तो हमेशा दोनों का रिव्यू डालती रहती हूँ, तो इसके लिए मैं ये रिव्यू लेके आ गई हूँ। तो कैसी है ये वेब सीरीज़, क्यों आपको देखनी चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं की हो मेरे चैनल को, अदरवाइज़ न्यू हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो। जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है भास्कर शेट्टी नामक एक टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो कि मुंबई में मतलब ओरिजिनली तो ही हेल्स फ्रॉम कर्नाटका, बट वो मुंबई में है एंड मुंबई में रहता है, मुंबई के पुलिस में काम करता है। एंड कैसे वो एक ख्वाहिश है उसकी कि वो ना पूरे के पूरे मतलब मुंबई में राज करे, और आउट एंड आउट मतलब ही वॉन्ट टू बिकम द सुपीरियर, मतलब राजा बनना चाहता है इन शॉर्ट मुंबई का। तो क्या ये उसका सपना पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता, एंड क्या इसमें रुकावट आती है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले मैं बोल दूँ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही एंगेजिंग है। बहुत सारे मतलब क्या उसका कहते हैं इंसिडेंट होते हैं, जिससे आपको पता चलता है भाई ये जो भास्कर शेट्टी का जो कैरेक्टर है, आप जैसे सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। हीरो तो वो है नहीं, बहुत ही ग्रे शेड्स के किस्म का किरदार प्ले किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो अंगद बेदी जो है इस मतलब इसके उनके बॉडी लैंग्वेज इस सब में बहुत ही अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा चेंज किया है, बहुत ही कन्विंसिंग वे में उन्होंने मतलब क्या उसका इस किरदार को प्ले किया है। लेकिन 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 यहाँ पे उनका एक्सेंट जो कि एज ए साउथ इंडियन, जैसे साउथ इंडियन कोई हिंदी बोलता है, तो वो वाला एक्सेंट इतना बुरी तरह फेल होता है, इतना सख्स मतलब साउथ इंडियन मतलब के जो एक्सेंट है वो इतना सक हुआ है ना भाई, मुझे देख के इतना मतलब हर लाइन में वो वैसा टाइप का ही हिंदी बोलते, काता माता जैसे वैसे बोलते वो, और सिकंदर खैर इन दोनों का एक्सेंट इतनी बुरी तरह से फेल हो गया ना कि मुझे देख के मतलब इनके ऊपर इतनी सिंपथी आई। एंड राइटर एंड जो डायरेक्टर उन पे भी मुझे गुस्सा आया कि दे शुड हैव एक्चुअली टोल्ड दिस एक्टर टू वर्क मोर ऑन देयर एक्सेंट, यू नो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो काम चलाओ वाला एक्सेंट ही दे दिए होंगे इन लोग को। और हर बार जब डायलॉग में ऐसे टाइप के ही एक्सेंट जब बोलते हैं तब आपको थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है। मुझे लगा भाई यहाँ ठीक है कन्विंसिंग दिखाने के लिए, रोल को थोड़ा सा रिलेटेबल दिखाने के लिए कि वो भैया कन्नड़का है मतलब कर्नाटका का है, वो वहाँ पे वहाँ से एकदम से आया मुंबई, तो ये उसके बाद हाँ उसका एक्सेंट ठीक है होगा वैसे, लेकिन ये इंसान कर्नाटका का है। लेकिन जैसे ही हम लोग हिंदी फिल्म में जैसे दिखाते हैं ना कि अगर वो तमिलियन है या कोई साउथ इंडियन है, तो वैसा टाइप के ये लोग जो ऐसे थोड़ा सा एक माँ क्या हो सकता बिंदी जैसा मतलब काटे होते ना, और विभूति टाइप का वैसे वाइट का पाउडर जैसा लगाए होते हैं, मुझे नहीं पता यार उसे क्या कहते हैं, तो वो वजह से लगाए होते हैं, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छा लगता है देखने के लिए क्योंकि वो लोग वैसा लगाते हैं, लड़का हो लड़की हो सब। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिखाते हैं कि अगर कोई तमिलियन है नहीं तो साउथ इंडियन है अगर हिंदी बोलेगा तो क्या कहता तुम्हारा क्या जाता जैसे बोल देना, वो वाला कॉमेडी हो जाता है यार। तो यहाँ पे कॉमिक नहीं है, यहाँ पे एक्शन क्राइम ड्रामा है, तो यहाँ पे अगर ये लोग जैसे एक्सेंट बोल रहे हैं तो उसकी वजह से ना कॉमिक एक खास मतलब एक फूहड़ किस्म का और क्रीपी टाइप का साउंड करता है, काता जाता। अगर आप लोग कर्नाटक के हो तो कर्नाटक पीपल जैसे कि हिंदी बोलते हैं उनके टाइप का एक्सेंट दिखाना चाहिए, यहाँ पे ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं इसकी तमिलियन है, तमिलियन भी ऐसे ही बोलेगा, तेलुगु भी ऐसा ही बोलेगा, कन्नड़ का ऐसा ही बोलेगा, सब लोग ऐसे टाइप के एक्सेंट नहीं बोलते। साउथ इंडिया मतलब चार अलग अलग स्टेट का है सिर्फ, सॉरी पांच अलग अलग स्टेट का है, नॉट पर्टिकुलर सिर्फ कर्नाटक का है कि ये लोग नहीं तुम्हारा काता है तुम्हारा जाता वही है। और ठीक है कुछ साल बिताने के बाद भी तुम्हारा एक्सेंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है समझ जाते, लेकिन उसके ऊपर काम तो कराना चाहिए था, नहीं उसके वजह से आपको बहुत इरिटेशन होती है गाइस, मुझे बहुत इरिटेटेड फील हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग है, तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चली गई, लेकिन स्टोरी भी अच्छी है एंड
अच्छा 1980s पे बेस्ड है, 1980s अर्ली 20s 2000s के ऊपर भी बेस्ड है, तो इतनी सी है मतलब क्या, स्क्रीन प्ले ओवरऑल एंगेजिंग है। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बचता है वो स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। एक ड्रामेटिक बैकग्राउंड बचता है जब भी कुछ सस्पेंस रिवील होता है, नहीं तो कुछ ट्विस्ट टर्न्स आते हैं, जो कुछ शॉकिंग रिवीलेशन होता है तब एक बचता है। और एक जो द मुंबई का जो ओरिजिनल मतलब जो साउंड ट्रैक है, जो रैप सॉन्ग है वो वाला बचता है, जो कि मराठी में एक है और एक कन्नड़ का शायद, हाँ कन्नड़ हिंदी का और मराठी हिंदी का मिक्स जो है वो दोनों बजता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं यहाँ हम कास्ट के काम की। तो यहाँ अंगद बेदी जो कि भास्कर शेट्टी मेन लीड किरदार प्ले कर रहे हैं, हिज कैरेक्टर इज़ टोटली ग्रे शेड्स। पहले पहले आपको पॉजिटिव साइड दिखेगा, मतलब फुल्ली फुल्ली पॉजिटिव दिखेगा, उसके बीच में आपको थोड़ा सा मतलब ऑफ ट्रैक जाने, मतलब नेगेटिव किस्म का लगेगा, बी उसके बाद पूरा ग्रे शेड्स हो जाता है। तो उनका कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार को प्ले किया है। जैसा कि मैंने बोला एक्सेंट उनका सख्स, एक्चुअली हिज एक्सेंट सक्स मैन, तो उनका यही एक्सेंट की वजह से थोड़ा सा आपको लगता है भाई एक्सेंट के ऊपर काम कर लेते तो ठीक हो जाता, अदरवाइज एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो अब बात करते हैं यहाँ सिकंदर खैर की, जो कि रामा शेट्टी का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ एक्सेंट पूरी तरह फील हुआ है एंड लेकिन उनका काम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो उनका रोल भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, ही इज लैंडेड अ वेरी गुड सपोर्ट। तो अब यहाँ बात करते हैं संदीपा धर की, जो कि यहाँ वैष्णवी का किरदार प्ले की है, तो उनका काम भी यहाँ पे अच्छा ही है। एंड अब बात करते हैं समीर धर्म अधिकारी की, जो कि यहाँ पे बॉस का किरदार प्ले कर रहे हैं, टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का, जो कि भास्कर शेट्टी के बॉस हैं। तो उनका भी यहाँ पे काम बहुत ही स्ट्रांग है, ही हैज़ लैंडेड वेरी गुड सपोर्ट, गुड नहीं अमेजिंग सपोर्ट। वो पहले से ही हम लोग उन्हें बहुत अच्छे अच्छे रोल में देख चुके हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में। यहाँ पे इनका जो क्या जाए उस इनका भी ग्रे शेड्स का कैरेक्टर है, तो आप जब जानोगे तब पता चलेगा कि उनकी तारीफ़ मैं क्यों करी। बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट लैंड किया है। कभी कभी तो भास्कर शेट्टी जो कि अंगद बेदी का जो कैरेक्टर है इस पर भी भारी पड़ जाते हैं, तो इनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अमेजिंग है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रियांक शर्मा की, जो कि स्पेशल अपीयरेंस लास्ट में आते हैं, जो कि बड़ा शॉकिंग रिविलेशन होता है, जिससे पता चलता है कि सीज़न 2 भी आएगा। पता नहीं कब आएगा, डोंट नो, लेकिन फिर भी सीज़न 2 आएगा एंड प्रियांक शर्मा उसमें लीड होने वाले हैं। तो मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली क्या होने वाला है, लेकिन ही इज़ प्लेड अ वेरी स्पेशल रोल, तो उनका स्पेशल रोल भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं यहाँ डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर यहाँ पे है अक्षय चौबे, जिन्होंने इस फिल्म मतलब वेब सीरीज़ को पूरा डायरेक्ट किया है। तो इस उनका डायरेक्शन भी है वो भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि लेकिन मुझे एक ही चीज़ खटका कि ये अगर थोड़ा सा काम करवा देते डायरेक्टर एक्टरों से कि थोड़ा एक्सेंट पे थोड़ा ध्यान दे दो, लेकिन नहीं उन्होंने नहीं किया। जैसे कि संदीपा धर का कैरेक्टर जो मैं बोल रही हूँ, शी इज़ प्लेइंग अ मराठी गर्ल, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में मराठी जो बोलती है वो ठीक है, कन्विंसिंग लगता है, बहुत ही अच्छा बोलती है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब क्या उसे कहते हैं क्या, हाँ भास्कर शेट्टी एंड रामा शेट्टी ये लोग जो है, अगर उनके मदर मतलब जब होम टाउन भी जाते तब भी वो कन्नड़ में नहीं बोलते इतना, वही हिंदी जो क्या कन्नड़ या साउथ इंडियन स्टाइल वाली हिंदी, का तो नहीं काएगा हम तो काएगा ऐसे टाइप का बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता गाइस। तो उस समय डायरेक्टर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा हो जाता और भी देखने का एक्सपीरियंस। हर वक्त अगर आपको वही स्क्रीन प्ले मतलब जब देख रहे हो बहुत ही मज़ा आ रहा है, उस टाइम में आप हर वक्त नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एक दो एपिसोड में कर सकते हो, अदरवाइज़ हर एपिसोड में नहीं कर सकते। आपको लगता है भाई एक्सेंट ठीक होना चाहिए था, तो वैसे ही एक खामी आ जाती है इस वेब सीरीज़ में। तो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेटिंग्स की। देखिए मुझे लगता है वेब सीरीज़ एक मस्ट वॉच है, या अगर आपको क्राइम थ्रिल मतलब क्राइम ड्रामा पसंद है एंड मिर्ज़ापुर वैसे टाइप के वेब सीरीज़ पसंद है, बिच्छू का खेल अगर आपको बहुत पसंद है। बिच्छू का खेल तो भाई डायलॉग बाजी ज़्यादा थी सीटी मार वाले, इसमें ये क्या है मास ऑडियंस को पसंद आएगा, लेकिन इतने डायलॉग, हाँ डायलॉग्स भी अच्छे ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूँ स्पेशल मेंशन टू शरद केलकर, जो कि पूरा स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उनके टोन सुनते ही मतलब समझ में आया। तो उनका यहाँ पे जो नरेशन है वो भी बहुत ही एक अच्छा ऐड ऑन करता है प्लस पॉइंट ऑफ दिस वेब सीरीज़। तो उसकी वजह से ही मैं इसे रेट करती हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार।
4 स्टार दे देती यार, सब अच्छा है, लेकिन एक्सेंट की वजह से मैं इसके आधे स्टार काट रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हर एपिसोड में मुझे खटका इसके वजह से। तो मेरी राय माने तो जाइए देखिए एक बार, आपको निराशा बिल्कुल नहीं लगेगा, अच्छा ही है वेब सीरीज़। तो कैसे लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पसंद आ गई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द अपने रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।